और एमएलए साहब, ये तीनों तीन धर्म के बड़े नेता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसके साथ बंजारा भाई, तीनों धर्म के तीन बड़े नेता। और ये तेलंगाना ऐसा राष्ट्र है हमारा बंजारा समाज, जहां भी विश्व में भी जहां भी बंजारा है, एक भाषा एक जात एक बोली राम राम कहते हैं। मगर मैं 1952 से 1952 से सुनते आया हूं कि हमारे समाज में जब भी बात करते थे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में लोग रहते थे, मगर किसी को हमारे न्यायिक लोग को पूछे तो तुम कहाँ रहते, बोले तो हम तलगानिया तेलंगाना। तो सचना नहीं कथे छो तो तलगानेर तेलंगाना बोल के ये नाम उनके हमारे बुजुर्गों ने, सेवालाल महाराज ने, बड़े बड़े साधु संतों ने हमारा तेलंगाना तेलंगाना तेलंगाना। तेलंगाना राज्य होने के बाद पहली बार इस पूरे भारत देश के अंदर इतनी अच्छी अच्छी योजना निकाल रही ये पार्टी, ये पक्ष। हमें पक्ष की ओर से बात करना नहीं है, हमारे तेलंगाना के सीएम साहब बहुत अच्छी अच्छी योजना हमारे साथ में, एमपी साहब एमएलए साहब एमएलसी साहब सब मिलके यहाँ पर हर ताले को अलग अलग दर्जा, यानी चेयरमैन सरपंच जो हुआ दर्जा रहता, 9 ताने 10 ताने मिलके एक सरपंच रहता था, हर ताने को एक एक अलग पंचायत बना के एक बहुत बड़ा हमारे समाज का योगदान दिया है। माना पड़ता है सरकार को, अभी कर्नाटक में रहते हैं, पर इतना अच्छा तुम्हारे को टाइम है, आप हिसाब से नियम नीति से धर्म से चल के जो हमको साथ दे रहा है उन्हीं के हम साथ कदम पे कदम चल के हम कोई झगड़ा डंडा विरोध 1 से 4 मेंबर खड़ा करने का ऐसा अवसर को विचार नहीं करना। हर अभी चुनाव में 5-6 जगह बिन विरोध चेयरमैन का चुनाव हो गया, ऐसे हमारे नायक लोगों ने बताया रहे थे। अभी साहब ने हमारे एमएलसी साहब ने बहुत अच्छा बताया आपको, आप फिर भी 2-4 जितने ताने रह गए वहां के जो भी चेयरमैन को चुना है, हमारा एक गुना एक ताना एक बड़ा है, थोड़ा उसका पेंडिंग दिख रहा है ऐसा मैं सुना था। तो मैं यहाँ पर बीड़र के नजदीक रहता हूँ, इतिहास में हमारे गांव है सेवानगर धनोरा ताना बोल के, वहां पर 2000 वोटिंग है, हम 34 यानी 35 साल से आज तक इलेक्शन नहीं लड़े। मंदिर में बिठाते सब लोगों को बोल देते, यहाँ के बहुत सारे हमारे पास लीडर आते, आज तक राठौड़ जाधव चौहान परिवार ऐसे चुनकर 5 साल के लिए एक अच्छा काम करने वाले लड़के को टाइम देते, हम 35 साल से 1 रुपये किसी को खर्च करना झगड़ा करना ये सब नहीं। क्या बोले तो नया नायक किसको बोलते हैं, नया करने वाले को, साहब ने बताया एमएलसी साहब ने, मैंने बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप सब लोग मिलजुल कर एक पैसा खर्च करके विरोध मत करो, फिर 5 साल आए तक लड़ते नहीं रहना, हम भाई भाई सब गोर माटी बोल के अपने को ऐसा धर्म चुनकर बोलते हैं, कहीं भी जाओ अपन एक धर्म। कोई ट्रस्ट बन गए तो आपको 4-5 लाख रुपए मंदिर को खर्च करने की जतरा में कोई जरूरत नहीं पड़ती, एमपी साहब एमएलए साहब एमएलसी साहब सीएम साहब और भी कोई भी फंड तुमको मिलते हैं जतरा का बहुत हम देखभाल करेंगे। ऐसे पूरा तेलंगाना यहाँ पर 4-5 राष्ट्र के लोग आ रहे, पहले 3 राष्ट्र के आते थे, मैं आप देखा बहुत दूर दूर से लोग आके प्रोग्राम में करे, सब आप लोग मिलजुल कर अच्छा कार्य करे, वो व्यसन मुक्ति दूर करे, खाना पीना बीड़ी सिगरेट से दूर रहे, हम जागो बंजारा वाजो नंगारा। देखो एक दिन का 1 रुपया यानी 100 रुपये का हम कहीं तो नशा करते हैं, 1 साल छोड़ दिए तो 36,000 जमा हो जाता, और 200 खर्च करने वाला कोई दारू पीना छोड़ दिया तो 72,000 उसके घर में जमा हो जाता है, हमें दूसरे के पास काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हम सब चीज सरकार से मांगते नहीं बैठना, हम भी खतरे खतरे से कुछ जमा के अपना परिवार अच्छा चलाना, नियम नीति से धर्म से चलना, इतना कहते हुए हमारे एमपी साहब बहुत अच्छी बात करने वाले, एमएलसी साहब तो उनकी अच्छी अच्छी वाणी सुनाए अभी अभी, आइए हमारे सभी यहाँ के लिए लोग जो भी बात करेंगे उस बात को अपने मेमोरी खाली रख के सब फोन बंद करके उन जो कहते हैं वो सुने तो बहुत अच्छा होता, इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।
వారి మొక్కు మరొక అందరు కూడా శుభకాంతులతో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ మరి ఈ యొక్క రాజాభిమానం మాతాజీ ఆశీర్వాదం వల్ల అందరు కూడా సుఖంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ యొక్క జాతర ఇంకా మరి కొన్ని సంవత్సరాలుగా వేస్తూ ఇంకా రాబో జిల్లాలో ఈ యొక్క మాతాజీ ప్రఖ్యాత గాయకి మరి ఈ రాష్ట్రానికి కాకుండా పక్క రాష్ట్రం కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కూడా మరి ఈ మాతాజీ పక్కగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఆ యొక్క మాతాజీ యొక్క దీవెనలు మీ అందరికీ ఉండాలని మీరందరూ సుఖశాంతితో ఉండాలని సమాధానంతో ఉండాలని మీ అందరికీ కోరుకోవాలని అప్పుడే మన అందరూ కూడా సంతోషంగా మన గ్రామం మరి ఇటువంటి కాదాలు మరి అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఆ కాదాలు అభివృద్ధి చెందినప్పుడే మనకు లోక కళ్యాణానికి అందరూ కూడా పంచుకుంటామని మీ అందరికీ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. చేస్తున్నాను ప్రణాళిక తప్పకుండా ఈ మోదీ మాత జాతర రావడం వారి ఆశక్తులు తీసుకొని తదుపరి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా మనం చూస్తున్నాం. అయితే సోదరుల గత ప్రభుత్వాలలో ఏ విధంగా పరిస్థితులు ఉండడం ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ఏ విధంగా పరిస్థితులు ఉంటాయంటే తేడా మీకు తెలిసి వచ్చే విధంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించబోతున్నాం. ఎందుకంటే ఎన్నికల కోర్ ఉంటుంది, ఇతర అంశాలు మాట్లాడలేని పరిస్థితి. ఏదేమైనప్పటికీ కాంగ్రెస్ హయాంలో రాష్ట్ర పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత మనం చూస్తున్నాం ఎంత తేడా ఉంటుంది, ఎంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కేవలం మన జిల్లాలో మాత్రమే కాదు మొత్తం రాష్ట్రంలో చూసినట్లయితే ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి తెలుగు లేకుండా ఉన్నాయి. కారణం ఏమంటారు, కేవలం మాట్లాడుతూనే ఓట్లు రావడం, చింతకాయలు మంత్రులతో రావడం, మనం పనిచేసుకుంటానికి అవసరం ఉండదు. అయితే 4 సంవత్సరాలలో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు గారు చేసిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మీకు తెలియని కావు. ఈ రోజు మన రాష్ట్రమే కాదు మొత్తం భారతదేశంలో ప్రతి రాష్ట్రం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక ఉదాహరణగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చూస్తున్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి కానివ్వండి, శాంతికుమారం కానివ్వండి, రైతు బంధు పథకం కానివ్వండి, రైతు బీమా పథకం కానివ్వండి, ఇటువంటి అత్యంత ఆదరణ పథకాలు కేవలం మనమే కాదు ప్రయాణ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు కూడా మొత్తం భారతదేశంలో ఈ పథకం చాలా ప్రమాణమైన పథకం. దీనికి మొత్తం భారతదేశంలో వర్తింపజేసే విధంగా రైతులకు అందరికీ ఆదుకునే విధంగా వాళ్ళకి గుర్తి వచ్చింది, వాళ్ళు కూడా పనిచేస్తే తమ రామ చెప్పడం. గతంలో మన సంప్రదాయంగా కాంగ్రెస్ ఒప్పదాం, నేను కూడా కాంగ్రెస్ ఒప్పదాను, ఒకప్పుడు నన్ను కూడా మీరు 2 ఆశీర్వదించి గెలిపించినాను. మరి ముఖ్యంగా ఎస్టీలు అంటే సాంప్రదాయకంగా మన దైవ ప్రాంతంలో మరి ముఖ్యంగా ఇతర ప్రాంతంలో లేదు కసాపు ఆ సైడ్ పోతే టీఆర్ఎస్ ఎప్పుడో ఎస్టీలు ఫస్ట్ గా చేరు, వాళ్ళే ఎక్కువ మటు కనిపించింది. ఆ రోజులో నేను మంత్రి ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు పోతే కూడా మొత్తం ఎస్టీ మహిళలే మనకు వచ్చి అడుక్కుంటున్నాడు మధ్య కుటుంబం ఎస్టీ మహిళలు టోటల్ ఉన్నవాళ్ళు గ్యాస్ ఎలక్షన్ తప్పి కాంగ్రెస్ ఓకేనా జనతలు ఏది ఏమైనప్పటికీ హలాత్ దక్కే హలాత్ మద్రాసాకు అత్యవసరమే అందులో బదలాచాలి అవును బదలావు అమిత్ షా అత్యో సర్పంచం ఎలక్షన్ ఇస్తే బదలావు అని అనాచాలి ఆ దొంగ మాధవనాచారి అష్టకు యువకుమంత్రి గారి ఆ పంచాయతంలో అలంకరికే ఆ యొక్క రాజ్ ఆ కుత్ చలవేశ పంచాయతం అలంకరి రక్తీయ కుమారుడు కుమార సర్వ నియమంతో సార్ కొద్దుగా
आज हालत ऐसा है, आज तुम सरपंच रहेंगे, पूरा पैसा तुम्हारे रहेगा, तुम्हारा निर्णय तुम लेंगे, क्या काम करना है तुम लोग पंचायत में बैठ के डिसाइड कर ले सकते। नगर पाले को जाने की जरूरत नहीं है, नगर पाले के रेडियो को सुनने की जरूरत नहीं है, बड़े लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम तुम कर सकते। आज ऐसा हालत तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को चाहिए कि टीआरएस पार्टी को मदद करो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बाजू में नारायण कह, मैं जिसम पंचायत का पूरे विधान में गोपाल रेड्डी सबसे ज्यादा विधान में पंचायत लगा बल्कि चैलेंज कर रहा हूं। आप एक बेल का हमारे पास जो जितने भी कार्ड है पूरे विधान में खुला होना, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पार्टी को ये रोज ये रिजर्वेशन है तो नहीं के मतलब इसकी भी रिजर्वेशन कर मेरे बच्चे मिले कांग्रेस जैसे मिले। हम लोग भी जय मोदी माता के इस फेस्टिवल के टाइम पे, यात्रा के टाइम पे, आने वाले दिनों में हमारी सरकार आना बोल के मन्नत मांगे थे, उस हिसाब से आज हमारी सरकार आए, इसमें आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से आने वाले 5 साल में इसे भी अच्छा काम करके जनता की सेवा करने की हम कोशिश करेंगे, ऐसा मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ। डेफिनेटली इस यात्रा से अपने समझना चाहिए कि अच्छी बातें करने के लिए कुछ अच्छे चीजें अपने सामने रखना पड़ता है। इस छोटी छोटे गांव में इतने तैनात से लोग आके इस माता को प्रणाम करने के लिए, उनके आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए, से सभी यहाँ पे आए से भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। खास करके हमारे इस असेंबली इलेक्शन के माणिकराव साहब के लिए जो लोगों ने टीआरएस पार्टी के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी सरकार आने के बाद सभी कम्युनिटी के लिए बहुत सारे काम किए, से खास करके ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी सीएम साहब ने, हमारी सरकार ने, हरीश्वर साहब ने बहुत सारा काम करने का काम किया है। इसके पहले जब भी हम हरीश्वर साहब के साथ आते थे तो हमारे जिला परिषद मेंबर शंकर पवार साहब को डिमांड किए थे, वो डिमांड हम पूरा करने का काम किए हैं। डेफिनेटली अभी भी जो भी चीजें पूछे हुए आने वाले 5 साल में पूरा करेंगे, और आने वाले जो यात्रा के टाइम पे इससे अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे, सब बताना चाहता हूँ। सबसे खास बात बोले तो सबसे पहले सरकार आने के बाद सरकार ने बंजारा लोगों के लिए बंजारा भवन देने का काम किए हुए। आज हैदराबाद जैसे बड़े सिटी में 10 करोड़ से बंजारा भवन बनाने के लिए सीएम साहब ने बंजारा भवन के लिए पैसे भी दिए हुए, इसलिए सीएम साहब को आपकी सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमेशा ही बंजारा लोगों के जो डिमांड्स थे, हमारा अलग ग्राम पंचायत होना चाहिए। पिछले 45-50 साल में सभी सरकारों के पास ये डिमांड थी और कोई सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, और हमने जो बात की तो हिसाब से अलग अलग हमारे तांडी को ग्राम पंचायत बनाने के काम किए से आज सब अलग अलग ग्राम पंचायत उनका अपना राज चलाने के लिए आज टाइम आ गया। अभी अभी हमारे सामने बहुत सारे तांडी के सरपंच आए थे, सब यूनानिमस कर रहे, उनको भी बहुत बधाई देना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा बड़ा सोच रखे सब लोगों ने यूनानिमस करने से गाँव का विकास अच्छा होता है। जैसा कि हम लोगों ने कुछ यूनानिमस ग्राम पंचायत को पैसे देने के बारे में बोले, सर डेफिनेटली आने वाले दिनों में तांडी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारा जरूर काम करेंगे। और बाकी बातें तो आपको पता है, कल्याण लक्ष्मी होने दो, या तो रेतु बंधु पत्थम की तरफ हमारे किसानों को पैसे देने का हो, या तो रेतु बीमा के तहत हमारे किसानों को इंश्योरेंस देने का काम हो, इस तरीके के अलग अलग काम हमने किए हुए। इसका आईपी का मैनिफेस्टो, वो मैनिफेस्टो से दुगना ज्यादा बड़ा रकम का देने का हमने काम किए हुए। तो डेफिनेटली मैं कल ही सीएम साहब से मिलने के बाद इसके ऊपर काफी लंबी चर्चा हो गई थी, और कल असेंबली में भी सामने 2.5 घंटे आने वाले दिनों में किस तरीके से हम काम करेंगे और किस तरीके के तेलंगाना का डेवलपमेंट करेंगे इसके बारे में बताया है। थोड़ी देर पहले एमएलसी फरीदुद्दीन साहब ने बताए थे कि तेलंगाना एक ऐसा गवर्नमेंट है पूरे आपके भारत देश में, हमारा एक मॉडल तेलंगाना है, मॉडल राष्ट्र बोल के माना जाता है, हमारे उतने अच्छे स्कीम भारत देश में कोई भी राज्य में नहीं, इसलिए आने वाले इलेक्शन में हर जगह तेलंगाना के स्कीम्स पूरे लेके काम करने की कोशिश किए हुए। अभी हम हमारे गुरु जी बोल रहे थे, हम लोग कर्नाटक में रहते और कर्नाटक से तेलंगाना में बहुत सारी सहूलतें हम देखते हैं, वो सहूलतें हम नहीं दे सकते। डेफिनेटली कर्नाटक हमारे से बड़ा राज्य है, वो चाहे तो इससे अच्छा डेवलपमेंट कर सकते, और डेवलपमेंट करने के लिए भी एक आदमी की सोच रहना चाहिए, वो सोच सिर्फ हमारे सीएम साहब के पास, हमारे मिनिस्टर हरीश्वर साहब के पास है, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ। और भी हमारे नायक साहब, हमारे शंकर हमारे पवार साहब ने जो बोले, वो सभी डिमांड हम सब मिलकर, हमारे एमएलए साहब, एमएलसी साहब, इंतवर मंत्री जी मिलकर पूरा करेगा, सबको वादा करता हूँ। और मैं और एक बार हमारे
माता से मदद करता हूँ कि आने वाले दिन अच्छे रहना चाहिए, हम सब लोग खुशहाल रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। और एक बार उनसे दुआएं लेते हुए बातें खत्म करता हूँ। आने वाले सबको मैं आशीर्वाद देता हूं।